Hello students, today we are starting our chapter number 6 of class 5th, Children are wiser than elders. ये आज हम chapter start करेंगे, थोड़ा सा बड़ा chapter है, इसको आप देखेंगे. Children are wiser than elders, इसमें तीन चार characters हैं, अकोला, मलेशिया और grandmother. ये तीन characters आपको दिख रहे हैं यहाँ पर. इसके अर्थ ये स्टोरी घूमती है. Children are wiser than men, मतलब जो बच्चे हैं वो सारे लोगों से ज़्यादा चलाक हैं, ज़्यादा ही चतुर हैं, ये हम कह सकते हैं, ये chapter के heading है. It was rainy season in Russia. Russia में बारिश का समय था. In a certain village in Russia, the rain water was flowing in the streams of street. Russia में जो पानी था वो सब नालियों में बह रहा था. It had rained and stopped a little while ago. और वहाँ पर पानी गिरने के बाद में कुछ समय तक रुक गया था. Two little girls were playing in the street water. दो छोटी छोटी लड़कियाँ थीं जो कि पानी में street water में खेल रही थीं. It was festival time, जो कि जो हम कह सकते हैं त्यौहारों का समय था. दे वे आर वियरिंग न्यू फ्रॉक्स, बहुत ही न्यू फ्रॉक्स पहनी हुई थी ये दोनों ने. मलेशिया वॉज द यंगर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, अकोला वॉज द ओल्डर गर्ल. दैट मीन्स मलेशिया और अकोला, ये मलेशिया जो है ये बड़ी है, ये एल्डर है, और अकोला जो है ये छोटी है. ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें. मलेशिया वॉज द यंगर ऑफ द टू लिटिल गर्ल्स, अकोला वॉज द ओल्डर गर्ल. मलेशिया स्टैम्प्ड हर फुट इन द वॉटर, जैसे ही मलेशिया अपना पैर वाटर में करती है, डालती है. It was a little muddy, जो कि मडी था, थोड़ा सा चिपचिपा था. The muddy was muddy water splashed. और जैसे ही वो पानी जो है चिपचिपा पानी मट्टी के साथ में वो पूरा उछल जाता है ऊपर. It fell on Akola's new frock, और जो कि अकोला के न्यू फ्रॉक में जाकर चला जाता है, फ्रॉक के ऊपर आ जाता है. अकोला वॉज जस्ट रबिंग ऑन द मड, अकोला जैसे ही अपना मड में रब कर रही थी. At that time, Akola's mother was walking that way. उसी समय अकोला की मदर उसी रास्ते से जा रही थी. She looked at her daughter's dress. और वो अपने डॉटर की ड्रेस पर देखती है, लड़की की ड्रेस पर देखती है. She scolded her daughter. वो अपने डॉटर को डांटती है. How can you make your new dress so dirty? तुम अपनी नई ड्रेस हो ये डर्टी कितना बना सकती, इतना गंदा कैसे कर लिया तुमने? She asked. उसने पूछा. Splashed. मलेशिया splashed the water on me. उसने बोला कि मलेशिया ने पानी मेरे ऊपर उछाल दिया, उसने ऐसा कहा. Mother said Akola. Akola's mother caught मलेशिया. अकोला की मम्मी ने मलेशिया को जाके पकड़ लिया. She gave two or three splashes on the back of मलेशिया. उसने दो या तीन बार जो है मलेशिया को मार दिया अकोला की मम्मी ने. मलेशिया started weeping. मलेशिया वहाँ पर जोर जोर से रोने लगी. मलेशिया's house was close by. मलेशिया का हाउस जो था, घर था, बिल्कुल पास में ही था. मलेशिया's mother heard her daughter weeping. मलेशिया ने अपनी बच्ची को रोते हुए देख लिया था. She came out in hurry. वो बाहर से जल्दी वापस आती है, बाहर आती है. Why are you weeping? asked her mother. तुम क्यों रो रही हो? उसकी मामा ने पूछा उससे, मलेशिया से. Akola's mother beat me on my back. अकोला की मम्मी ने मुझे पीछे मार दिया है, मलेशिया ने ऐसा बताया. मलेशिया's mother turned to Akola's mother in angry mood. मलेशिया की मदर ने अकोला की मदर के पास में जाती है बहुत ही गुस्से में. मलेशिया's mother abused Akola's mother. मलेशिया की मम्मी अकोला की मम्मी को गाली बकती है. Soon they started quarreling loudly. दोनों आपस में लड़ने लगते हैं बहुत तेजी से. They called each other names. They shouted continuing. और एक दूसरे को वो नाम से पुकारते हैं और एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं, इतनी तेज लड़ाई बढ़ जाती है. Other women joined them soon. और सारी जो दूसरी औरतें थीं वो भी ज्वाइन कर लेती हैं. Some supported Akola's mother, some supported Malaysia's mother. कुछ अकोला की मम्मी को सपोर्ट कर रही थी, कुछ मलेशिया की मम्मी को सपोर्ट कर रही थी. The two fighting groups became bigger and bigger. जो दोनों फाइटिंग ग्रुप्स धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था. The men also joined in the fighting. और जो पुरुष थे वो भी साथ में हो गए जो है फाइटिंग करने के लिए. The quarrel became never ending. ऐसा लग रहा था कि शायद झगड़ा ये समाप्त ही नहीं होगा. At that time, grandmother of Akola came out of the house. उसी समय अकोला की grandmother, दादी जो थी उसकी, वो बाहर आती हैं. She told the men and the women not to fight. सभी लोगों से कहते हैं, पुरुष और महिलाओं से कहते हैं कि तुम मत लड़ो. It is a festival time. ये त्यौहार का समय है. People should not quarrel. People को नहीं लड़ना चाहिए, लोगों को नहीं लड़ना चाहिए. She told them. No one listened to her, but कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था. No one cared for her words. कोई भी उनकी शब्दों को प्राथमिकता नहीं दे रहा था. In the meantime, मलेशिया और अकोला forgot about the quarrel. उसी समय अकोला और मलेशिया अपने लड़ाई के बारे में भूल गई. They became friends again. और दोनों दोस्त बन जाती हैं. They moved away from the fighting crowd. वो अपने fighting crowd से, जो भी crowd था, वहाँ से अलग हट जाती हैं. They started sailing paper boats in the running water. वो दोनों क्या करती हैं? कागज की नाव बना के उस पानी में छोड़ रही, नाव को छोड़ती हैं और खेलती रहती हैं. Now the old woman said to the fighting groups. नाव ने, उसने बोला कि fighting groups को बोलती है grandmother की, ये देखो. Look at the children. ये देखो दोनों को साथ में. They have forgotten their quarrel. दोनों ने अपना झगड़ा भूल गए हैं. They have started playing again. दोनों एक साथ मिलकर खेल रही हैं. They have become friends. दोनों अब दोस्त बन गई हैं. But you and men and women still keep quarreling. But तुम लोग जो हैं अभी भी फालतू में लड़ाई करे जा रहे हो. आज आर यू नॉट शेम्ड ऑफ योर टेंडेंसी? क्या तुम अपने टेंडेंसी पे, तुम्हें अपने नजरिए पे तुम्हें शक नहीं है? द मैन एंड वुमेन लुकड आउट एट द गर्ल्स. जैसे ही सारे लोग उसको, लिटिल गर्ल्स को देखते हैं, दे फेल्ड अशेम्ड. वो उनको अपने आप पर शर्म आने लगती है.
They went back to their houses quietly. और अपने houses में घर में वापस चले जाते हैं. Children forget and forgive very easily. Children जो बच्चे होते हैं हमारे वो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी भूल जाते हैं ऐसा कहा जाता है. The elders learned this lesson from the little girls. और सारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये चैप्टर उन्होंने ये जो लेसन था उन्होंने ये मॉरल था ये उन्होंने अपने बच्चों से सीखा. तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे बड़ों को भी बच्चों से कुछ कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं. तो आपने देखा किस तरह से ये चैप्टर था अकोला मलेशिया का जो लड़ाई होती है इनकी और किस तरह से बड़े बुजुर्ग भी शामिल हो जाते हैं इस लड़ाई में. तो ये चैप्टर आप जल्दी जल्दी करें. क्वेश्चन आंसर हम जल्दी जल्दी आप ग्रुप पे भेजेंगे और ये जितना हम आपको ग्रुप पे जल्दी जो कंटेंट भेज रहे हैं चैप्टर्स भेज रहे हैं वो आपका पूरा एग्जाम में आएगा. ये आप नोट करते जाएं साथ साथ जो भी क्वेश्चन आंसर हम करवा रहे हैं. टिल देन कीप वॉचिंग.